गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निरंजन। हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ रात से बारिश ने परेशान किया हुआ है और साथ में हवा भी चल रही है, जिसके कारण हमने रात में ही अपने कुछ प्लांट को अंदर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बारिश के कारण जो ये फूल खिले हुए हैं ये शायद खत्म हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट फूल खिलते खिलते विंटर के सीजन में ये लास्ट हो जाते हैं, जिससे हमको फूल नहीं भी मिल पाता। ये भी होता क्योंकि देखिए दोस्तों, ये पौधा पिटूनिया का क्या हुआ था, इससे पहले बारिश में थोड़ा सा हमसे छूट गया था बाहर ही, जिसके कारण इसका फूल हम खो चुके हैं। अब नेक्स्ट फूल आ नहीं रहा उतना अच्छा। और देखिए ये कैनेडुला है जो अभी अभी खिला हुआ है, और अगर छूट जाता तो ये भी हमसे विलुप्त हो जाता, तो नेक्स्ट फूल आने में टाइम लग जाता है दोस्त। ये देखिए गेंदे का फूल भी बहुत अच्छा खिला हुआ है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हमने रात में ही क्या कर दिया कि अपने कुछ प्लांट को जहां जहां मतलब जगह मिला वहां वहां उसे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा और बारिश रात में शुरू हो गया था। जो अभी भी हवा तो है ही, बारिश अभी थमा हुआ है, लेकिन बादल है, फिर बारिश हो भी सकती है, इसलिए हमने रात में ही इनको शिफ्ट कर दिया। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक बार बाहर का नजारा भी दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हवा कितनी तेज चल रही है। ये हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो छज्जा है इसके नीचे हमने इनको शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा कम मतलब बारिश मिलता है इनको, जिससे ये बच सके, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है कि जो गमलों में नमी हो जाती है तो धूप तो निकलेगा नहीं, जिससे हम इसको उसकी नमी हटा सके। इसके वजह से बारिश में जितना हो सके उतना बचा लेना ही अपने पौधों को फायदा होता है। जहाँ जहाँ जगह मिला है उसे शिफ्ट कर दिया है, बारिश से थोड़ा बचाया जा सके। ये देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू, बाय।